और आपको बताना है कि जय मयंक जस चंद्रिका, ये जय मयंक है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन माने जाते हैं, जल्दी से बताना है। एक अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया यहां पर। लाइक करिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। यहां पर चयन करना है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, भट्ट केदार हैं, नरपति नाल हैं, नल से हैं या फिर मधुकर कवि हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है और देखते हैं आपका जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, कौन बता पा रहा है ये राइट सा आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जय मयंक जस चंद्रिका। जनता जनार्दन डी बता रही है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मधुकर कवि आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, प्रश्न क्रमांक दो नंबर का क्वेश्चन है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये दो नंबर का क्वेश्चन है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया, रंजीत जी, बबीता यादव जी बताइए, वीरेंद्र जी, दो नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, बताइए मंजू यादव जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा। आपको पता है कि दोस्तों विश्वनाथ ने इसको श्रृंगार काल कहा था और उन्होंने श्रृंगार काल को तीन काव्यधाराओं में बांटा था जिनको अपन पढ़ते हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। लेकिन यहां पर कलाकाल पूछा और जनता जनार्दन बी की ओर जा रही है जो कि बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है, एग्जिट पोल बी नंबर बिल्कुल राइट। ठीक है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है दोस्तों, ये बताइए घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखते हैं कौन इस नंबर को सही बता पा रहे। लाला भगवान दीन ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा, तीन नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे और जल्दी से लाइक भी कर दें साथ ही। राइट आंसर क्या हो रहा है यहां पर कि सर वो कहा है किसने, रामचंद्र शुक्ल ने, जनता जनार्दन सी की तरफ, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही है, सी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है। अगला क्वेश्चन, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे बताइए, राजा जयसिंह के दरबारी कवि बताना है, ये चार नंबर का क्वेश्चन है और ये चारों जो कवि हैं रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, ये भी याद रख लेना। ठीक है, भूषण भी रीतिकाल के हैं, बिहारी भी रीतिकाल के हैं, मतिराम और सेनापति भी रीतिकाल के हैं। यहां पर बिहारी और सेनापति रीति सिद्ध हैं, मतिराम और भूषण रीतिबद्ध हैं। ठीक है, दो दो कवि यहां पर आपके लिए दिए गए हैं और आपको यहां पर बताना है, रवि शंकर जी, राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे कौन, बिहारी, और बिहारी ने गागर में सागर भरा है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है इनकी एक रचना है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई जिसमें कितने दोहे, 713 दोहे, काव्य रूप क्या है इसका, मुक्तक, मुक्तक काव्य रूप है। इसका रचना काल बताएगा कोई, बताओ इसका रचना काल, जनता जनार्दन फटाफट से, रवण छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को कहा गया है, पांच नंबर का क्वेश्चन बताया गया, छोटे लाल जी, कमला कांत जी, 1200 में 12 महीने का ऑफर दोस्तों आज समाप्त हो जाएगा रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, और 15 तारीख से 15 अप्रैल से आपका हिंदी साहित्य का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको शुरुआत से यानी कि हिंदी भाषा से पढ़ाया जाएगा, पहले हिंदी भाषा, फिर देवनागरी लिपि, फिर हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन के स्रोत, फिर आदिकाल, और इसी प्रकार से क्रमबद्ध अध्ययन चलेगा लाइव क्लासों के माध्यम से, रिकॉर्डेड भी रहेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके होंगे। तो रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को कहा गया, पांच नंबर के क्वेश्चन में, और सभी लोगों का, जनता जनार्दन का आंसर आ रहा है पांच नंबर, निराला, निराला आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल निराला कविता दोस्तों, जिसका जन्म 1897 में हुआ, कुछ विद्वान इनका 99 भी मानते हैं। ठीक है, तो सी नंबर आपका निराला बिल्कुल सही है। सप्तपर्णा किसकी कृति है, छह नंबर का क्वेश्चन बताना है, बीनू सरोज जी, सप्तपर्णा, लाइक कर दो एक बार, बेल आइकन को भी दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे दोस्तों। तो बताइए यहां पर मायाराम जी, सप्तपर्णा किसकी कृति मानी जाती है, मैंने आपको बताया था निहार नीरजा है ना, रश्मि, सांद गीत दीप सिका,
दीपशिखा और सप्तपर्णा, सप्तपर्णा और यामा संग्रह के लिए 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। महादेवी वर्मा जिनका जन्म 1907 में हुआ था और ये वर्मा त्रय में भी शामिल है महादेवी वर्मा। छायावाद के चार आधार स्तंभों में भी शामिल है महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा इन्हें कहा जाता है महादेवी वर्मा को, ठीक है। और रहस्यवाद से प्रभावित है महादेवी वर्मा। इनकी एक रचना है रश्मि जो कि बौद्ध धर्म से प्रभावित है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको महादेवी वर्मा के जानने को मिल जाते हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविताओं में मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। चयन करिए यहां पर, बताइए रानी तिवारी जी, प्रेमांशु जी, राइट आंसर 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा यहां पर, सभी लोग बताएंगे। और बिल्कुल भी नहीं चूकना है दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर आप हिंदी साहित्य क्लास अटेंड कर रहे हो और रात्रि 9 बजे वाली क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको 1200 वाला कोर्स भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो 1200 फीस है एक नॉर्मल फीस है आपके लिए, है ना। आप अपने बच्चों की फीस 12000 भरते हो दोस्तों, 12000 क्या लाखों में पहुंच जाती है किसी किसी स्कूल की, है ना। 50,000 रुपए आप साल में दोस्तों भरते हो, एक 1200 रुपए आप अपने लिए फीस नहीं भर सकते क्या, भर सकते हो, ठीक है। एक नॉर्मल फीस है दोस्तों, है ना। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है ये बिल्कुल गरीबों का यूट्यूब चैनल है दोस्तों, ठीक है। तो शोषक वर्ग के प्रति प्रगतिवाद और प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है, ये भी याद रख लेना। चांदनी मैप्स जी, चारू चंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है। चारू चंद्र लेख उपन्यास के रचनाकार कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, भगवती चरण वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सही बताना है आपको। और लाइक करके शेयर भी कर देना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, चाहे दोस्तों आप एलटी ग्रेड की कर रहे हैं या मास्टर कैडर की कर रहे हैं, तो आपके लिए रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको एक नारा दिया था कि एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन अध्ययन नहीं रुकना चाहिए, ये नारा अगर आपने देख लिया तो दोस्तों ये नारा आपने अगर फॉलो कर लिया तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आप करते क्या हो, 3 महीने जब एग्जाम आता है 3 महीने आप बस पढ़ते हो और सोचते हो कि हमें सफलता मिल जाए, नहीं मिलती, जो सालों से पढ़ते उन्हीं को सफलता मिलती है, ठीक है। चारू चंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है, 8 नंबर का पहुंचा, बोले सर चारू चंद्र का जो लेख है वो तो हमने हजारों बार पढ़ा है चारू चंद्र का लेख, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा देना, डी नंबर लगा दो, ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जिनका जन्म 1907 में हुआ था, ललित निबंधकार के रूप में दोस्तों जिनकी पहचान है, गली आगे मुड़ती है, इसके लेखक कौन है बताइए जल्दी से। सभी लोग बताएंगे पुष्पराज, बताइए बिल्कुल पुष्पराज जी आ गए हैं, वेरी गुड। गली आगे मुड़ती है लेखक है बताइए, नामवार से हैं, शिव प्रसाद से हैं, अज्ञे या फिर मोहन राकेश, 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको राइट चयन करना है और जल्दी से बताइए। गली आगे मुड़ती है 9 नंबर के क्वेश्चन में, बोले सर हाँ अगर आपको शिव का प्रसाद चाहना चाहिए है तो गली यहां से आगे मुड़ती है, कहां पर मुड़ती है, बोले सर शिव के प्रसाद के लिए, गली आगे मुड़ती है किसके प्रसाद के लिए, शिव के प्रसाद, भैया बोले शिव का प्रसाद चाहिए, बोले सीधे जाओ गली आगे मुड़ती है शिव का प्रसाद मिल जाएगा आपको, ठीक है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है, 10 नंबर का क्वेश्चन, नटों के जीवन संघर्ष बताना है, बताइए क्या है यहां पर राइट आंसर। पुष्पा देवी जी, वीरेंद्र जी, सभी लोग बताएंगे यहां पर, हेना सिद्दीकी, जसवीर जी, आराधना पाल जी बताइए यहां पर, आराधना पाल जी जल्दी से बताइए, बताएं। नीतू गुप्ता जी, हाँ बिल्कुल, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 में आपको चयन बताना है। और आपको पता है कि सर नटों के जीवन संघर्ष का जो उपन्यास में मिलता है यहां पर नहीं मिलता है, पूछा दोस्तों नहीं मिलता है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये नटों के जीवन का संघर्ष कब तक पुकारों में भी मिलता है, सैलूस में भी मिलता है और ये दोस्तों झूला नट में भी मिलता है ना, इसमें नहीं मिलता, सेवा सदन में नहीं मिलता, ये नहीं है आपके लिए पूछा गया था,
ठीक है, क्वेश्चन अपन ने पूरा नहीं पढ़ा। ये दोस्तों ये तीनों उपन्यास हैं जिनमें नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख मिलता है। अब यहां से ये पूछा गया कि नहीं मिलता है, सैलूस में मिलता है, झूला नट में भी मिलता है, ये सेवा सदन में नहीं मिलता, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, अगला देखो, जीनी जीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यासकार की दोस्तों ये कृति है। प्रश्न क्रमांक 11 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी से सभी बताएंगे। यहां पर जीनी जीनी बीनी चंदरिया ये किस उपन्यासकार की कृति मानी जाती है? रजनी बाला जी बताएं, क्या हो जाएगा यहां पर? सुमन पाल जी राइट आंसर क्या है यहां पर? हाँ, बेस्या जीवन पर आधारित है सेवा सदन। दीपिका शुक्ला जी 1918 का उपन्यास है, बहुत बढ़िया। जीनी जीनी बीनी चंदरिया आज जनता जनार्दन जारी बी की ओर, अब्दुल बिस्मिल्लाह बी नंबर, अब्दुल बिस्मिल्लाह राइट। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? 12 नंबर का क्वेश्चन है, टोपी शुक्ला, श्रीलाल शुक्ले, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या फिर मन्नू भंडारी। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन है। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला के लेखक कौन माने जाते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपने उत्तर लगाया कि सर है ना, मासूम लोगों को टोपी पहना देते हैं। आपने देखा होगा दुकानदार के पास आप जाते हो, उनने देखा कि ये तो बड़ा मासूम है तो लोग टोपी जल्दी पहना देते, टोपी, ये टोपी है, टोपी, ठीक है। ये टोपी शुक्ला याद रखते ना, मासूम रजा इसके लेखक है। हरी बिंदी ये किस साहित्यकार की कहानी है? हरी बिंदी, हरी बिंदी बताना है, बताइए, चयन करिए। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, वे नोट्स अपने घर में मंगवा सकते हैं, एक सप्ताह में नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे दोस्तों, एक सप्ताह में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है 1200 में 12 महीने के लिए, तो आज अंतिम ऑफर है आज का, ठीक है। तो आज के दोस्तों अंतिम ऑफर के साथ ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, बढ़िया सा क्वेश्चन है और आपका उत्तर हो जाएगा कि हरी बिंदी, बोले सर बड़ी मृदुल मृदुल लगती है। कैसी लगती है हरी बिंदी? बोले सर मृदुल मृदुल लगती है, मृदुल मृदुल, तो मृदुला गर्ग लगती है हरी बिंदी, बड़ी मृदुल मृदुल, ठीक है। तो ये बिंदु मृदुला से मृदुला गर्ग हो जाएंगे, सी नंबर इनकी कहानी है हरी बिंदी, पूछा गया है कई बार। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल, दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? सभी लोग बताएं, राइट आंसर बताना है रिद्धिका दिव्या जी, बताइए। कहानी संग्रह दूसरा, दूसरा ताजमहल इसकी लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा है, क्षमा, क्षमा बताना है ममता कालिया फिर अनीता जैन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बोले सर हमें दूसरा ताजमहल ऐसा बनवाएंगे, कौन बनवाएगा अपने गुरुओं में? राहुल जी बनवाओगे क्या? अनुराग जी कौन बनवा रहा है भैया दूसरा ताजमहल? बोले ऐसा बनवाएंगे, ऐसा बनवाएंगे मुकेश जी कि जिसका ना सिरा, सिरा ना हो जिसका, ना सिरा, ना सिरा हो किसका? दूसरा ताजमहल का। इस जो पुराना ताजमहल, पहला ताजमहल है इसका तो इस सिरा दिखता है, सिरा दिखता, बोले ये सिरा है, बोले ऐसा बनवाएंगे जिसका ना सिरा, सिरा ही ना हो, ठीक है। बिल्कुल सुनीता चौधरी जी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है बताओ? भारत भारती, बंदनी, झांसी की रानी या फिर चिंगारियां, कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन बताना है भारती यादव जी, जल्दी से। आनंद जी बिल्कुल बात कर सकते हो, नीचे नंबर लिखा है, ठीक है, बात कर सकते हो। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है, एक क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। और 15 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर जा रहा कि सर इनकी कृति कौन सी? चिंगारियां, चिंगारियां डी नंबर प्रतिबंधित रही, डी नंबर बिल्कुल सही है। अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा बताना है, इसका रचना काल भी आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे और शेयर भी कर देना एक बार जल्दी से, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो अपने मित्रों तक दोस्तों, और यहां पर बता भी दो कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। सही सही बताना अर्धकथानक का रचना काल क्या है। ये हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है दोस्तों। तो यहां पर चयन करने के लिए बोला गया और आपने बनारसी दास जैन तो लगा दिया, लेकिन इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसका रचना काल क्या है, ये भी 1641 बताया राहुल राज जी, बहुत बढ़िया।
तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? 17 नंबर का क्वेश्चन, तिरस्कृत ये किसकी आत्मकथा है, ये आपको चयन करना है। बताइए रचना जी, राइट आंसर बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताना तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है। सभी लोगों को चयन करना है और लाइक भी करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तिरस्कृत आत्मकथा किसकी है? पुष्पा मौर्य जी, पूनम जी बताइए, तिरस्कृत 17 नंबर का क्वेश्चन, और एक बार लाइक भी कर देना है, शेयर भी करना है। और सभी लोग बता रहे हैं कि सर सूरज निकल निकल के त्रस हो गया है, रोज निकलता है। आप कहते ना कि सर हम भी महेश प्रसाद हैं, राहुल सांकृत्यायन है, शिव प्रसाद गुप्त हैं, सत्यमेव परिव्राजक हैं, ये सत्यदेव हैं, सत्यदेव परिव्राजक। तो यहां पर पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक पूछा गया 18 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोग बताएंगे, लाइक करते हुए आगे बढ़ना है सभी साथियों को। बताएं यहां पर वंदना सिंह जी, बिल्कुल नहीं। राजकुमार जी, क्लास चल रही है, थोड़ा सा बीच में नेट प्रॉब्लम। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, 18 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करने के लिए बोला गया और आपका उत्तर जा रहा है जनता जनार्दन। कहां जा रही है जनता जनार्दन? कुछ डी की ओर जा रहे हैं, कुछ सी की ओर जा रहे हैं। देखो यहां पर यही तो गड़बड़ हो रहा है भैया, गड़बड़ क्यों कर रहे हैं यहां पर? बोले सर यहां पर शिव प्रसाद गुप्त लगा दो। देखो डी नंबर बता दिया बहुत सारे लोगों ने, वेरी गुड। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमतिवाद की अवधारणा बताना है, यानी कि अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है? भट्ट नायक हैं, विश्वनाथ हैं, भट्ट लोलट हैं, या फिर शंकुक हैं? बताएं, जल्दी से बताइए। ललिता मलिक जी, बीनू सरोज जी, रीना मंडियाल जी, राइट आंसर बताएं। अनुमतिवाद की अवधारणा ये किसकी है, किसकी मानी जाती है? देखते हैं कौन कौन गलत बता रहा है अनुमतिवाद में। और मैंने आपको कई बार बताया है कि हम शंख बजा के क्या करते हैं, अनुमति लेते हैं, शंख बजा के अनुमति लेते हैं, अनुमति। तो अनुमति से क्या हो जाएगा? बोले अनुमतिवाद अवधारणा किसकी है? शंकुक की, शंकुक की है, यानी डी नंबर। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है? 34वां संचारी भाव बताना है किसको माना है? छल को, स्मृति को, पुलक को, या फिर रोमांच को? बताएं, बिल्कुल अनुमति लेकर शंख बजाना, ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल बताइए। राइट आंसर बताना है 20 नंबर का क्वेश्चन, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है? आपको बताएं 33 संचारी भाव होते हैं, किसी को याद है? हाथ ऊपर करके बताएं पूरे 33 संचारी भाव किसको याद है। और 34वां छल नामक ये आचार्य देव, जिनका वास्तविक नाम था देवदत्त, इटावा में जन्म हुआ था इनका, ठीक है, देव का। और यहां पर छल नामक इन्होंने 34वां छल नामक भाव माना था। पवन शब्द में कौन सी संधि है? 21 नंबर का क्वेश्चन, कोई बताएगा हाथ ऊपर करके कि सर हमें 33 संचारी भाव याद हैं, कई बार मैंने आपको बोला है ना निधि जी, बहुत बढ़िया निधि दुबे जी, 33 संचारी भाव याद हैं। और किसको याद हैं? एक को बस याद है, कई बार मैंने बोला, देखो पोल खुल रही है, लवली ठाकुर को याद है, और बताइए किसको याद है? मंजू यादव जी, बस तीन लोग को याद है, अमित सिंह जी याद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, बीनू सरोज जी याद है। तो सभी को याद करना है, मैं 50 बार बोल चुका हूं तनु जी, है ना। तो पवन में कौन सी संधि है, 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 21 नंबर में आपको बताना है। और बोले सर है ना अयादि संधि हो जाएगी, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। बबीता जी, अयादि संधि यानी सी नंबर, पवन में अयादि संधि है। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए राधिका जी, सभी को याद करना है, आपसे क्वेश्चन एक आता है 100%, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, मैंने आपको कई बार बोला भी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीन तीन संचारी भाव दिए रहते हैं, एक और कोई उठा के रख दिया जाता है, अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सा संचारी भाव है या नहीं है, या पूछा जाता है संचारी भाव से कोई संचारी भाव आपका रख दिया जाता है कि बताइए विषाद क्या है, अनुभाव है, विभाव है, संचारी भाव है, क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो अलंकेश का पर्यायवाची यानी कि 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, सीधा सीधा नंबर है दोस्तों, आपको बताना है।
और आपको पता है अलंकेश, अलंकेश पर्यायवाची है वो है काय का, कुबेर का, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, कुबेर का आपका राइट आंसर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य की भूमिका इसके लेखक कौन है, भूमिका 40 की हो गई, यानी 1940 इसका रचना काल है, भूमिका 40 की हो गई, तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसका है ये बताना, ये लेखक है हिंदी साहित्य की दोस्तों भूमिका, तो बताएं चयन करिए। और बहुत सारे साथी जब देख रहे हैं पढ़ाई कर रहे हो तो एक व्यवस्थित पढ़ाई आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है 1200 में 12 महीने का, है ना, ये आज अंतिम ऑफर है और 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं कहता हूं कि आप 1200 रुपए खर्च करके देखिए सेल्फ स्टडी क्लासेस में, मजा ना आए तो बता देना कि सर मुझे मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, याद नहीं हो रहा है मुझे क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे बता देना एक बार, मैं खुद पर्सनल आपकी क्लास लेके बताऊंगा कि कैसे कैसे नहीं आ रहा आपका इंटरेस्ट। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी की भूमिका 40 की हो गई 1940। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों, 24 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। और जो रेगुलर अध्ययन करते हैं उनका सिलेक्शन होता है, मैं बता दे रहा हूं आपको, एग्जाम आता रहेगा जाता रहेगा, अध्ययन नहीं रोकना चाहिए, अध्ययन रोका समझो कि आपने देखा होगा कई लोग दसों साल से तैयारी करते हैं लेकिन कब करते हैं, एग्जाम आ गया 3 महीने के लिए कर ली फिर बंद कर दी, फिर एग्जाम आया 2 साल बाद फिर 2 महीने कर ली फिर बंद कर दी, उनका सिलेक्शन नहीं, बोले हम तो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहां पर रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है, 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और रुद्र संप्रदाय यानी कि उत्तर चला गया जनता जनार्दन जा रही सी की तरफ, यानी विष्णु स्वामी बताया आपने, सी नंबर बताया, राइट आंसर सही हो जाएगा। संतन को कहा सीकरी सुकाम और आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, ये पंक्तियां बताना है दोस्तों, पंक्तियां। अब कोई बताएगा अष्टछाप के 8 कवि किसको याद है, बताओ जल्दी, किसी को ट्रिक याद है, मैंने बताई थी जो अष्टछाप के 8 कवि किसको याद है, फटाक से पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा अष्टछाप का कवि है या फिर नहीं है, तो अष्टछाप के 8 कवि आपको पता होनी चाहिए। और यहां पर जो कुंभन दास दिए हैं, ये कुंभन दास अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं, कुंभन दास, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, कुंभन दास आपका राइट आंसर है दोस्तों। ये पंक्ति है इनकी, अगला है विट्ठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है, 26 नंबर का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, याद है मतलब रेखा त्रिपाठी जी, वेरी गुड, साहिल तयाल जी, अमित सिंह जी याद है, वेरी गुड वेरी गुड, अरुण राजपूत जी बहुत बढ़िया धन्यवाद, याद करना इसी प्रकार से राजकुमार जी। विट्ठलनाथ जिन्होंने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की, 4 कवि उन्होंने अपने पिताजी यानी बल्लभाचार्य के उठाए, है ना, और 4 कवि दोस्तों, 4 जो कवि शिष्य थे वो शिष्य दोस्तों खुद के शिष्य उठाए विट्ठलनाथ ने, और 1565 में इन्होंने अष्टछाप की स्थापना कर दी। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है कि बताइए विट्ठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया था, ये भी आपको बताना है। पेड क्लास होती है शाम को 5 बजे से 5:40, 6:30 से 7:10 तक 2 क्लासें होती है दोस्तों, पेड पूरा रिकॉर्डेड भी रहता है, हर संडे को टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो 27 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, हिंदी नई चाल में ढली कथन तो आपको पता ही है दीपिका जी कि सर भारतेंदु जी का कथन है, लेकिन कब ढली तो कौन ने बताया, कब ढली बताओ जल्दी से, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 27 नंबर के क्वेश्चन में कि सर हिंदी नई चाल में कब ढली बताइए, हिंदी भाषा के मानवीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था, बताओ कौन सा युग था जो सबसे महत्वपूर्ण था 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, मीना सिंह जी बिल्कुल सही आंसर आया आपका, पूनम इंसान जी। 28 नंबर में हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से दोस्तों कौन सा युग सबसे दोस्तों कौन सा युग है जो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे और आपने बताया। 28 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताना है, 28 का उत्तर बताना है
और उत्तर चला गया कि सर बुद्धभेदी युग था, यानी बी नंबर था। 26 में युगलोपासना उत्तर सही था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शेरसिंह का शस्त्र समर्पण, इसके रचनाकार कौन है? शेरसिंह का शस्त्र समर्पण, तो बताइए रिंकू जी, राधिका जी बताएं, और लाइक करके शेयर भी कर दीजिए सभी साथी दोस्तों। और शेरसिंह का शस्त्र समर्पण, इसके रचनाकार कौन है? ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है दोस्तों आपकी, है ना, इस क्लास में कोई संडे की छुट्टी भी नहीं होती आपकी। ठीक है, शेरसिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? 29 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया यहां पर, और आपका उत्तर हो रहा है कि शेरसिंह का शस्त्र समर्पण। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। बबीता जी बता रहे हैं डी, यानी कि जयशंकर प्रसाद, शेरसिंह का शस्त्र समर्पण राइट आंसर जा रहा है डी की तरफ। प्रसाद जी, यानी कि दोस्तों आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। युग की गंगा, ये किसकी रचना है? युग की गंगा बताइए, बताइए विजय चौहान जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? प्रीति पुरोहित जी, ललिता जी, युग की गंगा ये रचना किसकी मानी जाती है? सभी लोग बताएंगे दोस्तों। आपके लिए दो चीजें चल रही हैं अभी, एक चल रहा है पेड क्लास में 1200 में 12 महीने की क्लास है। ठीक है, मैं बता रहा हूं दोस्तों, इतनी कम फीस है कि लोग संशय में आ जाते हैं, बोले सर कहीं आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे, ऐसे बोलने लगते, सर इतनी कम फीस में कोई पढ़ा सकता है क्या, है ना, पूरा कोर्स करवाओगे कि नहीं करवाओगे, ऐसा भी पूछने लगते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें शक हो जाता है कि इतनी कम फीस में कोई नहीं करवाता जितनी फीस में आप करवा रहे हो, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे, ऐसा बोलने लगते कुछ लोग तो, है ना। लेकिन दोस्तों जो जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, जो क्लास से जुड़े हैं, साथियों को पता है कि सेल्फ स्टडी क्लासेस में क्या दिया जाता है, आपको कितना पढ़ाया जाता है। युग की गंगा किसकी रचना है? 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर युग की गंगा केदारनाथ से निकलेगी, तो केदारनाथ से आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, युग की गंगा बी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? 31 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे संदीप गुप्ता जी। कविता की तीसरी आंख, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? शेर जंग गर्ग माने जाते हैं, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोत्रिय, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बताना एंजॉयमेंट जी, राइट आंसर चयन करना है सभी को बताना है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर कविता की तीसरी आंख, है ना, कविता की तीसरी आंख खुल गई, और अपन ने पढ़ा था ना कि प्रभाकर सोती रही और कविता की तीसरी आंख खुल गई, तो प्रभाकर श्रोत्रिय। तन्मय जी सी नंबर, बहुत बढ़िया। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदुकालीन बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, रचना काल भी बता दो क्वेश्चन थोड़ा सा, सभी लोग चयन कर रहे हैं, और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दें साथियों, जल्दी बताओ। भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग दोस्तों, भारतेंदु के जन्म से ही भारतेंदु युग की शुरुआत मानी जाती है, और उन्हीं के नाम पर दोस्तों, बिल्कुल सभी लोग बताइए यहां पर 32 नंबर का क्वेश्चन है। पुष्पराज जी, पुष्पराज आ गए हैं, बोले झुकागा झुकेगा नहीं, क्या बोलते हैं वही वाला डायलॉग। तो यहां पर भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की परीक्षा गुरु? 1882 रचनाकार श्रीनिवास दास। ठीक है, एक बार, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? जल्दी से बताइए चरणदास चोर, कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है दोस्तों। मुद्रा राक्षस है, बलराज पंडित है, हबीब तनवीर है, नाग बोडस है, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और ये जो बार बार रिपीट कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके, ये तो आपके माइंड में सेट हो जाते सेट, है ना। तो यहां पर चरणदास चोर पूछा गया, 33 नंबर में पूछा गया, और आपका उत्तर हो गया कि सर ये हबीब तनवीर, चरणदास चोर हबीब तनवीर, छी नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध दोस्तों, ये निबंध बताइए किसका निबंध है? मैंने आपको याद भी करवाया था कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बोले आपने कैसे देखा, आपको कैसे पता। 34 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। दीपिका जी बहुत बढ़िया,
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये कई बार आ गया, नेट में भी आ गया ये क्वेश्चन। तो आपको पता ही निबंध है, ठीक है, विद्या निवास मिश्र के कोई तीन निबंध बताएगा लिख करके, जो मैंने आपको ट्रिक से कई बार याद करवाए। बोले अपनी विद्या से मैंने देखा कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यानी बी नंबर, बी नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा दोस्तों? आपका बंटी, मैंने कहा कि आपका बंटी कहां गया है? आपका बंटी जैसे मित्र मित्र होते हैं, है ना, आपने देखे होंगे, आपके मित्र होंगे, आपके बच्चों के भी मित्र होंगे, ठीक है। तो बोलते हैं, बोले आपका बंटी कहां गया? बोले अभी नवरात्रि चल रही है, मेरा बंटी भंडारे में गया है। मेरा बंटी कहां गया सुनील तिवारी जी? बोले सर भंडारे में गया, भंडारे, तो भंडारे से क्या हो जाएगा, मन्नू भंडारी, भंडारी, यानी ये नंबर आपका बंटी भंडारे में गया है, ये नंबर सही है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास की रचना किसने की बताइए, बताइए विभूति जी, प्रश्न क्रमांक 36 में, जल्दी से आपको चयन करना है। एक बार शेयर भी कर दीजिए सभी साथियों, रोज इस क्लास से जुड़िए दोस्तों, इस क्लास से आपको जुड़ना है, तो यहां पर चयन भी करना है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अपन बताना है। चितवन की चाय सिल पहुंचाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, मेरे राम का मुकुट भीज रहा है। बीनू जी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, यानी कि उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, डी नंबर, बहुत बढ़िया। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी, गांधी की जीवनी कौन सी है दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? लाइक कर दीजिए सभी साथी, इतने अच्छा सेशन दोस्तों आपके लिए रोज आता है, रोज इस सेशन से आप लोग जुड़ते हैं और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? गांधी की जीवनी आपको चयन करना है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से आप लोग जुड़े, है ना, 1200 में 12 महीने, बिल्कुल फ्लावर समझा है क्या? बहुत बढ़िया, तो बोले 37 नंबर, बोले फ्लावर समझा है क्या सर? इसका उत्तर हम भी बताएंगे, 37 नंबर का क्वेश्चन है, 37 नंबर में बोले सर श्री गांधी, श्री गांधी करके इन्होंने जीवनी लिखी गणेश शंकर विद्यार्थी ने, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं, कलम का सिपाही बताइए, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? 38 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएं, राइट आंसर बताना है प्रियंका कौर जी, सभी लोग बताएं, बताएं राइट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? अंजू जी, सुनीता जी, जिन भी साथियों को दोस्तों हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो अपने घर मंगवाते हैं, 7-8 दिन में ये नोट्स आपके घर पहुंच जाते हैं, आप नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, है ना, लाइव क्लासों से भी दोस्तों, लाइव क्लास वाले आप दोस्तों एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं जो कि 1200 का कोर्स है, है ना। कलम का सिपाही ये कृति किसके, कलम का सिपाही पूछा गया है तो आप क्या लगाओगे, अमृत राय लगाओगे, अमृत राय, ठीक है, तो आपका ये सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया आंसर बताया, सी नंबर अमृत राय। नेक्स्ट देखो, आचार्य नंदलाले वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक, आलोचक किसने कहा? सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि नंदलाले वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए कौन सा सौष्ठववादी आलोचक है रमेश कुमार जी, तो उत्तर हो जाता है नंदलाले वाजपेयी, ठीक है। छायावादी आलोचक माने जाते हैं दुलारे वाजपेयी जी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी एक इनका निबंध है जो कई बार पूछा गया है ना, तो इनको किसने कहा है, एक अच्छा क्वेश्चन बताना है। शिव कुमार जी, विकास भाटी जी 39 नंबर के क्वेश्चन में, और उत्तर जा रहा है कि सर भगवत स्वरूप मिश्रा ने इनको कहा है क्या, सौष्ठववादी आलोचक माना है, ठीक है। तो तनु जी ने डी नंबर बताया जो कि बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। रवि गुप्ता जी बिल्कुल सही है, सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया, लेकिन बताइए किसकी कहानी है, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? वंदना जी, सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही, और इस तरह सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही, कृष्णा सोती रही यानी कि कृष्णा सोपती, कृष्णा सोपती यानी कि बी नंबर, सिक्का बदल गया बोले सर और कृष्णा सोती रही, बी नंबर। ये क्वेश्चन तो कई बार मैंने आपसे पूछा है, आपको तो रट गया है, याद हो गया, उर्दू भाषा की लिपि बताना है यहां पर। 41 नंबर का क्वेश्चन है, 41 नंबर में आपका सही आंसर क्या हो रहा है दोस्तों, उर्दू भाषा की लिपि बताना है यहां पर, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पीहू शर्मा जी, ऐप डाउनलोड कर लो पहले, सेल्फ स्टडी क्लासेस,
सेल्फ स्टडी क्लासेस, प्ले स्टोर में जाइए सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये वाला जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों उर्दू भाषा की लिपि पूछी गई, आपने देखी होगी उर्दू भाषा की लिपि को लेकर के कई मतभेद होते हैं, कहीं आपको अरबी फारसी दोनों मिल जाएगा, लेकिन यहां पर आपको दोस्तों सी नंबर लगाना है, फारसी लगाना है, ठीक है, फारसी लगाना, सी नंबर लगाना है, ठीक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय का मोस्ट इंपॉर्टेंट 42 नंबर कई बार पूछा गया, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां है बताइए, सीताराम जी, रतिपाल जी, हिना सिद्दीकी जी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां है, एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देंगे, लाइक करिए जल्दी से, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय क्या है, सभी लोग बताएंगे और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, शेयर भी कर दिया करें सभी साथी मित्रों को, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां है, एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया, लाइक करना है और अपने मित्रों तक शेयर भी कर देना है, बताइए जल्दी से, सभी बताएंगे। और बताइए दक्षिण भारत और उत्तर आ गया है 42 नंबर के क्वेश्चन में, सभी लोगों यानी कि जनता जनार्दन का क्वेश्चन आया चेन्नई, सी नंबर चेन्नई बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। भारतेंदु ने बिजयानी विजय पताका की रचना की है दोस्तों, बताइए है ना, ये बताना है कि किस उपलक्ष्य में इन्होंने की थी दोस्तों, बताएं बिजयानी विजय पताका की जो रचना की थी वो किस उपलक्ष्य में की थी, कवि वचन सुधा के सफल प्रकाशन के उपलक्ष्य में की थी क्या, भारतेंदु मंडल के गठन के उपलक्ष्य में की थी क्या, अंग्रेजों की मिस्र विजय पर की खुशी में की थी, कैसे की थी जल्दी से बताइए फटाफट से। 43 नंबर का क्वेश्चन, भारतेंदु ने बिजयानी विजय पताका की जो रचना की थी वो की थी बोले सर अंग्रेजों की मिस्र विजय पर, सी नंबर आपका करेक्ट। भारतेंदु ने किस उपन्यास से उर्दू में कविताएं लिखी तो बताइए, किस उपन्यास से लिखी है, उपनाम से पूछा गया यहां पर, तो बताइए भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी, 44 नंबर का क्वेश्चन है, 44 नंबर का बताना है, सुकवि, रसा, जकी या फिर भारतेंदु, 44 नंबर में प्रिया जी बताइए, विनीता जी राइट आंसर, योगेश जी क्या है यहां पर सही आंसर, मुकेश जी 44 में, और बोले सर ये भारतेंदु जी का उपनाम जो है वो उपनाम है रसा, और रसा उपनाम से इन्होंने उर्दू में कविताएं लिखी, यानी कि आपका जो बी नंबर है रसा बिल्कुल सही है, जकी नहीं, जकी उपनाम से तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी थी है ना, ये रसा उपनाम से लिखी थी भारतेंदु जी ने, बी नंबर, ठीक है। नीमा किस कवि की माता का नाम है, 45 नंबर का क्वेश्चन बताना है, बताइए नामवार सिंह जी, बहुत बढ़िया, नामवार सिंह जी भी आ गए, बहुत बड़े आलोचक हैं यहाँ पर, जयश्री जी, गंगवार जी आ गए, बहुत बढ़िया, अनुज जी कतियार, नीमा किस कवि की माता का नाम है, एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से लाइक कर देना है। और उत्तर जा रहा है यहाँ पर 45 नंबर के क्वेश्चन में, कबीर दास, सी नंबर, बहुत बढ़िया। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है, 9 बजे वाली ये रोज क्लास में आप लोगों को जुड़ना है, 1200 में 12 महीने का दोस्तों ये कोर्स आपको जरूर एडमिशन ले, मैं बता रहा हूं जितने भी हमारे साथी हैं 9 बजे की क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी साथियों को इस क्लास में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों की फीस 12 से 15 हजार दोस्तों भरते हैं कि नहीं भरते, 50-50 हजार रुपए साल के भरते हैं दोस्तों, लेकिन आप अपने लिए 1200 खर्च करना नहीं चाहते 1200 में 12 महीने, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हो तो इस क्लास में जरूर एडमिशन लें, आज 10 तारीख है, 10 अप्रैल लास्ट आपका ऑफर है, रात्रि 12 बजे तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है, आपका उत्तर हो जाएगा हरिदास निरंजनी, इसको सखी संप्रदाय कहा जाता है, इसको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद कर लेना। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नांगरी, ये में बताना है कि कौन सा अलंकार है, हीरो हंडा जी बताइए, बिक्की जी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं, लाइक जरूर करें सभी साथी, प्रीति जी, निशा जी, निधि जी, आयुष जी, बिल्कुल हिना जी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नांगरी 47 नंबर के क्वेश्चन में, विजय चौहान जी, वैभव जी बताइए 47 का उत्तर है, और अच्छा क्वेश्चन है, और उत्तर जा रहा है कि सर 47 नंबर में यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, यानी सी नंबर बिल्कुल सही है, यहां पर ये कई बार पूछा जाता है ना, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नांगरी,
कोई डुबो रही होगी। बोले सर उसका रूप तो नहीं दिख रहा, उसका रूप तो नहीं दिख रहा। अब ये कुछ भी नहीं जानना, ये ट्रिक मिल गई अपन को, अगर ये कभी भी पूछा जाए ये रूपक लगा देना। बोले सर ये पनगट में डुबो तो रही है लेकिन उसका ऊसा रूप तो नहीं दिख रहा, रूप से रूपक हो जाएगा। प्रबल कारणों के होते हुए भी जब कार्य सिद्ध ना हो तो कौन सा अलंकार? प्रबल कारण है, आपने कई बार पढ़ा है ना कि सर कारण है लेकिन कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्चना जी, पलविंदर जी बताइए, संजय पाठक जी भी आ गए, बहुत बढ़िया। प्रबल कारणों के होते हुए भी जब कार्य सिद्ध ना हो तब वहां कौन सा अलंकार होता है? इतना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया, एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, और आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा बताएं? और आपका उत्तर है कि सर वहां पर हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार, यानी कि सी नंबर। सी नंबर जनता जनार्दन सी की तरफ जा रही है क्या 48 नंबर के क्वेश्चन में? बहुत बढ़िया, ठीक है। जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता, नहीं होता बताइए, अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो, उसे उसे बताना है उसे कौन सा समास कहते हैं। समास आपने पढ़े हैं, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं है, अपितु अन्य अर्थ दोस्तों जो निकलता है, अन्य पद जो है अन्य अर्थ निकलता है, वो आपको बताना कि वहां पर कौन सा समास होगा। एक अच्छा क्वेश्चन, सभी साथी लाइक करें दोस्तों। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो जल्दी ही मंगवाएं दोस्तों, आप नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर में, 7-8 दिन में ये नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे बाय पोस्ट, ठीक है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है 1200 में 12 महीने के लिए, वो एडमिशन ले सकते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन में, और उत्तर हो जाएगा कि सर बहुव्रीही समास लगा दो, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? सभी लोग बताएंगे चक्रपाणी में कौन सा समास है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया चक्रपाणी, और चक्रपाणी में आपको समास बताना है। बहुव्रीही है, द्वंद्व है, कर्मधारा है, या फिर तत्पुरुष समास है? अच्छा क्वेश्चन है। रात्रि 10 बजे दोस्तों एग्जाम पार में एक हिंदी की क्लास होती है, वो भी आप लोग अटेंड करें, ठीक है। उसमें भी आपकी बढ़िया सी प्रैक्टिस होगी। तनु जी बताइए चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 में उत्तर बताना। और बोले सर बहुव्रीही समास इसमें हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपका प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? सभी लोग जल्दी से लाइक कर देंगे, कृदंत प्रत्यय के बारे में बताना है, संज्ञा के साथ, सर्वनाम, क्रिया, या फिर अव्यय के साथ जुड़ते हैं? चयन करिए जल्दी से, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, एक बार शेयर कर देना है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, या फिर अव्यय के साथ, कौन बताएगा? 51 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर हो जाता है सी, यानी कि क्रिया के साथ, ठीक है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 52 नंबर का क्वेश्चन, संयोग है, विदेश है, अत्याधिक है, या फिर सुरेश है? जल्दी से बताइए। डाली तिवारी जी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बताएं जल्दी से, यहां पर 52 नंबर का क्वेश्चन है। सृजन कुमार जी मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, चैट में मैसेज करिए, आपके पास बिल पहुंच गया होगा, आपने एडमिशन लिया है तो। कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, ये 52 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, और आपका उत्तर चला जाता है कि सर डी लगा दो, सुरेश लगा दो, डी नंबर आपका सही है, ये उपसर्ग रहित शब्द है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, ये बताइए कैसा वाक्य है, वाक्य बताना है आपको वंदना जी, बताइए। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चयन करें। 53 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए अंबेडकर नगर से अजय यादव जी, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता, तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? ये वाक्य चयन करना है, और बहुत सारे लोगों ने लगा दिया कि सर ये अनिल कुमार जी ने सी लगाया है, ये है मिस्र वाक्य, सी नंबर जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यानी कि ये जो वाक्य है ये मिस्र वाक्य है, मिस्र वाक्य है मधु दिमन जी, सी नंबर आपका सही है, ठीक है।
ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, वह आ गया। कैसा वाक्य है? 54 नंबर का क्वेश्चन है। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। यहां पर ये दोस्तों संयुक्त वाक्य होगा, वैसे ये संयुक्त वाक्य होगा, बी नंबर सही होगा, ये बी लगा दो इसमें, 53 का बी सही है, बी लगाना इसमें, ठीक है। ये संयुक्त वाक्य, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, ये संयुक्त वाक्य होगा, बी नंबर सही होगा इसमें रमेश कुमार जी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, ये वाक्य बताना है। 54 नंबर का क्वेश्चन बताना है आपको, 54 नंबर में चयन करिए, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा 54 में, 54 में बताएंगे सभी लोग। और आपका उत्तर है कि सर ये मिश्र वाक्य है, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, है ना, तो ये मिश्र वाक्य है। और 53 नंबर में यहां पर आपका संयुक्त वाक्य होगा, ये बी नंबर कर लेना सभी साथी, बी कर लेना, ठीक है, जिनका भी बी है। नेक्स्ट है अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा, 55 नंबर का क्वेश्चन है। अधुनातन का विलोम प्राचीन है, प्राचीन है, भूतकालिक है, पुरातन है या फिर विगतकालीन है, 55 में चयन करना है आपको, जल्दी से बताइए और लाइक कर दीजिए एक बार जल्दी से। जसमेल जी, अंकिता जी और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो सभी साथी ले सकते हैं। अधुनातन का विलोम क्या होगा, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, अधुनातन का विलोम पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार पहले पूछा जा चुका है, अब आपको यहाँ पर चयन भी करना है। और अधुनातन का जो विलोम हो जाएगा बोले सर वो हो जाएगा पुरातन, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर, ये सी नंबर बिल्कुल सही है, अधुनातन का विलोम पुरातन, सी नंबर राइट आंसर। राजीव मौर्य जी बहुत बढ़िया, विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, अब सही नहीं है चयन करना यहां पर, प्रसारण का संकुचन, ओजस्वी का निस्तेज, भिज्ञ का सभिज्ञ, देहाती का सहरी, इसमें से चयन करिए आप कौन सा विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। 56 नंबर का क्वेश्चन बताना है, 56 में आपको चयन करना है, 56 में बताइए। प्रसारण का संकुचन, ओजस्वी का निस्तेज, भिज्ञ का सभिज्ञ, देहाती का सहरी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि सर भिज्ञ का सभिज्ञ हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, सी नंबर राइट आंसर है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कहने वाले आचार कौन है, बताइए। 57 नंबर का क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कहने वाले जो आचार हैं वो कौन है, मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं, भरत हैं या फिर राजशेखर हैं, बताएं। बिंदु लता जी, आशा रानी जी, राधिका जी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कहने वाले आचार कौन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 57 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका उत्तर चला जाएगा कि सर ये जो वाक्य है ये कहा है आचार्य विश्वनाथ ने, वी नंबर वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है, साहित्य दर्पण इनका एक ग्रंथ है विश्वनाथ का, वी नंबर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है सरबजोत जी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, विस्मय स्थाई भाव किस रस का होता है, बताइए किस रस का स्थाई भाव विस्मय है, हास्य का, शांत का, अद्भुत का या फिर विभत्स का। 58 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे विस्मय स्थाई भाव किस रस में होता है, बताएं 58 में राइट आंसर चयन करना है। और विस्मय स्थाई भाव किस रस में होता है, सही आंसर चला गया आपका सी, यानी कि अद्भुत, अद्भुत रस का स्थाई भाव होता है विस्मय, यानी कि आपका सी नंबर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 59 नंबर का क्वेश्चन है, नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना या फिर जांच पड़ताल करना, कागजी घोड़े दौड़ाना, ये पूछा गया आपसे, रीता कांत जी, कमला कांत जी, अजय यादव जी, सभी लोग बताएंगे मिलकर के 59 नंबर के क्वेश्चन में, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है, राइट आंसर चयन करिए 59 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर व्यर्थ की लिखा लिखी पढ़ी या लिखा पढ़ी करना, ये कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सुनील तिवारी जी प्रयागराज से, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, 60 नंबर का क्वेश्चन है,
गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है निशाजी? सभी लोग बताएंगे। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, है ना, विवर्ण होना या फिर दुर्लभ होना। अपूर्वा साक्य जी, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं दोस्तों। 60 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि उत्तर चला गया आपका डी। जनता जनार्दन डी की तरफ जा रही है, दुर्लभ होना आपका सही आंसर है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। धनुष्टंकार में कौन सी संधि है? धनुष्टंकार में कौन सी संधि है बताइए जल्दी से, चयन करिए। धनुष्टंकार में कौन सी संधि है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देंगे। धनुष्टंकार में संधि बताना है, विसर्ग है, व्यंजन है, दीर्घ है या फिर यण संधि है, बताएं। रमेश कुमार जी, राधिका मौर्य जी, नीतू गुप्ता जी, धनुष्टंकार उत्तर क्या हो यार? सभी लोगों ने उत्तर मिलकर के बताया कि सर विसर्ग संधि लगा दो, ये नंबर आपका सही है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? 62 नंबर के क्वेश्चन में स्वागत का संधि विच्छेद बताना है। सुधन आगत, स्वाहधन आगत, स्वाधन आगत या फिर स्वाधन गत। तो स्वागत का सही संधि विच्छेद आपको चयन करना है, 62 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। और आपका राइट आंसर स्वागत का संधि विच्छेद, चयन करिए जल्दी से। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, यानी कि सुधन आगत, ये आपका बिल्कुल सही है। सुधन आगत आपका राइट आंसर है। नांगरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? नांगरी लिपि सुधार समिति के संयोजक बताना है। आचार्य नरेंद्र देव थे, काका कालेलकर, भारतेंदु या फिर बाबू श्याम सुंदरदास। रितेश मौर्य जी बताइए, सबिता कनौजिया जी, 63 नंबर के क्वेश्चन में नांगरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और सभी को पता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि सर काका कालेलकर थे। कौन थे? काका कालेलकर, बी नंबर आपका करेक्ट है, काका कालेलकर राइट आंसर है। देवनागरी लिपि है, बताओ कैसी है? वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, भावात्मक है, अक्षरात्मक है? देवनागरी लिपि कैसी है? 64 नंबर के क्वेश्चन में देवनागरी लिपि बताना है आपको, कैसी है, किस प्रकार की लिपि मानी जाती है? दयानंद चतुर्वेदी जी बताएं, वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, भावात्मक है या फिर अक्षरात्मक है? देवनागरी लिपि कैसी मानी जाती है? और आपका उत्तर जा रहा है कि सर अक्षरात्मक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, डी आपका राइट आंसर है, है ना। हिमहास गद्य काव्य के लेखक कौन है? हिमहास गद्य काव्य के लेखक कौन है? 65 नंबर में हिमहास गद्य काव्य के लेखक बताना है। 65 का सही उत्तर आपको चयन करना है। हिमहास गद्य काव्य के लेखक कौन है? 65 नंबर का क्वेश्चन और आपका सही आंसर जा रहा है कि सर हिमहास गद्य काव्य के जो लेखक है वो लेखक है राम विलास शर्मा, यानी कि आपका जो बी नंबर है राम विलास शर्मा ये बिल्कुल सही है। रामविलास शर्मा है कि रामकुमार वर्मा है बताइए। 65 नंबर का क्वेश्चन, कौन है जल्दी से बताओ? तो हिमहास रामकुमार वर्मा की है दोस्तों, ये नंबर आपका सही होगा, ये नंबर रामकुमार वर्मा की, ठीक है, रामकुमार वर्मा की है ये, हिमहास की रचना का रामकुमार वर्मा, ठीक है, ये नंबर सही होगा इसका। देखो लाइन से बी लगा दिया सबने। अगला देखो, सैलानी की डायरी, इसके लेखक कौन है? सैलानी की डायरी, सैलानी की डायरी बताइए जल्दी से। सैलानी की डायरी बताना है जल्दी से बताइए। और आपका 66 नंबर का क्वेश्चन जा रहा है, 66 में आपको बताना है उत्तर क्या हो रहा है यहां पर, उत्तर बताइए। सैलानी की डायरी 66 नंबर का क्वेश्चन और उत्तर चला गया कि सर ये राजेंद्र अवस्थी,
चलाने की डायरी की क्या हो गई, अवस्था हो गई, अवस्था। तो अवस्थी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, चीड़ों पर चांदनी की रचनाकार कौन है। चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी इसके रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर। चयन करना है, चीड़ों पर चांदनी कैसी लगती है बताइए। चीड़ों पर चांदनी सत्यदेव परिव्राजक, राम निर्मल वर्मा, यशपाल या फिर अग्गे। चयन करिए जल्दी से। और सभी का आंसर जा रहा है कि सर 67 नंबर में चीड़ों पर चांदनी जो है निर्मल निर्मल लगती है। तो निर्मल वर्मा बी नंबर आपका करेक्ट है। गोरी नजरों में हम यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन है। आज क्लास हो रही है 10 बजे, लेट हो गए, थोड़ा सा कुछ काम से गए थे, लेट हो गए, इसलिए क्लास अपनी 10 बजे हो रही, बाकी 9 बजे ही होती है रोज, ठीक है। गोरी नजरों में हम बताइए, गोरी नजरों में हम बताएं 68 नंबर, ए अपन ने याद भी किया था, ट्रिक से भी याद किया था कि सर गोरी नजरे गोरी के नजरों में हम नाच भी गए हैं, गोरी के नजरों में हम नाच भी गए हैं, नाच भी गए तो प्रभाकर माचबे, सी नंबर प्रभाकर माचबे आपका राइट आंसर है। टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक कौन है, टुकड़े टुकड़े दास्तान डॉक्टर नगेंद्र हैं, ठीक है। अमृतलाल नागर हैं, रामविलास शर्मा हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 1500 में 12 महीने का कोर्स है और दोस्तों आपके लिए 15 तारीख से 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट है, ठीक है। और जिन भी साथियों को नोट्स अपने घर मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। टुकड़े टुकड़े दास्तान 69 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर अमृतलाल नागर लगा दो, बी नंबर लगा दो। टुकड़े 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 बोले एक टुकड़े टुकड़े मिल जाए अमृत के, बोले एक टुकड़ा ही मिल जाता सर अमृत का, ठीक है। दोहरा अभिशाप आत्मकथा के लेखक कौन है, 17 नंबर का क्वेश्चन, 70 नंबर का क्वेश्चन है मोहित जी बताइए। दोहरा अभिशाप इसके रचनाकार कौन है बताएं, सभी लोग बताएंगे, लाइक करना है। क्लास का टाइम तो 9 बजे ही रहेगा भैया रितेश जी। दोहरा अभिशाप आत्मकथा के लेखक कौन है, बरसों से 9 बजे चल रही है और बरसों से ही चलेगी, है ना। यस सर की क्लास नहीं होगी इसलिए तो हमने 10 बजे ले लिया, आज लेट हो गए थे, हमने कि ले लो भाई, है ना, क्लास है, कुछ नॉलेज आपको भी मिल जाएगा। दोहरा अभिशाप, बोले सर कौशल्या माता को दोहरा अभिशाप मिला, एक तो राम को वनवास हो गया, दूसरा यहाँ पर दशरथ जी की मृत्यु भी हो गई, दोहरा अभिशाप। कौशल्या वैसंतरी, तो दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंतरी की आत्मकथा है, बी नंबर आपका सही है। रेवंत गिरिराज के रचयिता कौन है, 71 नंबर का क्वेश्चन है रेवंत गिरिराज, सभी लोग बताएंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, रेवंत गिरिराज के रचनाकार चयन करना है और आपका उत्तर देखते हैं क्या क्या हो रहा है बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रेवंत गिरिराज के रचनाकार, 71 नंबर का क्वेश्चन है। बोले सर रेवंत गिरी पर हमें विजय प्राप्त करनी है, विजय तो विजय से क्या बनेगा, विजय सेन सूरी, डी नंबर आपका विजय सेन सूरी बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट आंसर होगा। हिंदी नवरत्न की रचनाकार कौन है, 72 नंबर का क्वेश्चन है, मिश्र बंधु है, आचार्य शुक्ल है, ग्रियर्सन है या फिर राम कुमार वर्मा है। हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है, हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है, जल्दी से चयन करिए। बलराम यादव जी बताएं, बिंदु लता जी, जसमेल जी, कमलाकांत जी, सभी लोग बताएंगे हिंदी नवरत्न की रचनाकार कौन है। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर मिश्र बंधु लगा दो, ये नंबर आपका राइट आंसर लगा दो, मिश्र बंधु सही है। हिंदी नवरत्न की रचनाकार कौन है, मिश्र बंधु, ये नंबर सही है। साहित्यालोचन इनमें से किसकी कृति है, साहित्यालोचन किसकी कृति, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की या फिर डॉक्टर नगेंद्र की, बताओ। नीरज शर्मा जी जल्दी से बताना, लाइक कर दो और सभी साथी, 1910 इसका रचना काल है, बहुत बढ़िया अध्यापक जी। साहित्यालोचन इनमें से किसकी कृति मानी जाती है, 73 नंबर का क्वेश्चन है, विकास भाटी जी बताइए। और सभी लोग चयन कर रहे हैं कि सर 73 नंबर में आप लगा दो साहित्यालोचन,
सी नंबर जनता जनार्दन, सी की तरफ जा रही श्याम सुंदर दास, वेरी गुड। साहित्य के लोचन बड़े सुंदर हैं, बोली सर। साहित्य के लोचन कैसे हैं? सुंदर। नई कविता का आत्मसंघर्ष, इसके लेखक कौन है? 74 नंबर का क्वेश्चन है अनुपम जी, बताएं नई कविता का आत्मसंघर्ष के रचनाकार कौन माने जाते? प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद या फिर मुक्तिबोध हैं या फिर मलयजय हैं, बताओ। 74 नंबर का क्वेश्चन है, 74 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि नई कविता का आत्मसंघर्ष, बोले सर नई कविता आत्मसंघर्ष करते करते मुक्ति मिल गई। नई कविता को आत्मसंघर्ष करते करते क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। मुक्ति किसको? नई कविता को। तो क्या मिल गई? मुक्ति। तो मुक्ति से क्या हो जाएगा? मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1917 में इनका जन्म हुआ था मुक्ति बोध जी का। प्रसाद के किस नाटक का कथानक बोधों के पतन का माना जाता है? 75 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसाद के किस नाटक का कथानक बोधों के पतन का माना जाता है? ये सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 75 नंबर, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय राष्ट्री या फिर विशाख, प्रसाद के किस नाटक का कथानक बोधों के पतन का माना जाता है? 75 नंबर का क्वेश्चन है ये, प्रसाद के सारे हैं, ध्रुव स्वामिनी है, करुणालय राष्ट्री है, विशाख है, और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर प्रसाद के विशाख, विशाख यानी डी नंबर। विशाख का जो कथानक है वो बौद्धों के पतन का माना जाता है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिव्यानी का कहना नाटक के नाटककार कौन है? दिव्यानी का कहना क्या है? दिव्यानी का कहना बताइए जल्दी से, चयन करिए फटाफट से, दिव्यानी का कहना क्या है? सभी लोग बताएंगे, दिव्यानी का कहना क्या है? चयन करना है, जल्दी जल्दी से बताना है। और बोले सर देवयानी का कहना है कि रमेश पक्षी को छोड़ दो, देवयानी का कहना है कि रमेश पक्षी को छोड़ दो, पक्षी को छोड़ दो, है ना? तो रमेश बक्षी, रमेश बक्षी, ये नंबर आपका सही है। देवयानी का कहना है कि रमेश बक्षी को छोड़ दो, ये नंबर आपका सही है। कृष्ण अर्जुन युद्ध के रचनाकार कौन है? कृष्ण अर्जुन युद्ध के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, रमेश बक्षी या फिर सुरेंद्र वर्मा है? 77 नंबर का क्वेश्चन है, 77 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कृष्ण अर्जुन युद्ध के रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, नीरज शर्मा जी, रजनी बालाजी, अजय जी, कमलाकांत जी, रानी दीक्षित जी। 77 नंबर के क्वेश्चन में कृष्ण अर्जुन युद्ध के रचनाकार कौन है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर माखनलाल चतुर्वेदी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कामायनी 1935 का इसका रचना काल माना जाता है, इसको आपको चयन करना है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है दोस्तों, बताएं जल्दी से चयन करिए। और कामायनी के बारे में पता है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य माना जाता है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, और आपका उत्तर जा रहा है 78 नंबर के क्वेश्चन में, क्या जा रहा है कि सर ये आपने जो बताया वो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है, ये ठीक है क्योंकि उपनिषद पढ़ने से हमें शांति मिलती है। सी नंबर करेक्ट आंसर है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? 79 नंबर का क्वेश्चन है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, लाइक कर देना सभी को। आचार्य शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, 79 नंबर का क्वेश्चन है, छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है, चयन करें। और बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है कि सर छायावाद को जो चित्रभाषा शैली कहा है वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, ये नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य शुक्ल आपका बिल्कुल सही है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण के रचनाकार कौन है? 80 नंबर का क्वेश्चन है, जंजीरें और दीवारें, रितेश मौर्य जी बताइए, विजय चौहान जी, जिन भी साथियों ने एडमिशन नहीं लिया अभी एडमिशन ले लें फटाफट से, 15 तारीख से हिंदी साहित्य का नया बैच हिंदी भाषा से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जंजीरें और दीवारें संस्मरण के रचनाकार कौन है? 80 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
और आपको पता है कि सर हम वृक्ष की क्या बनाएंगे, जंजीरें और दीवारें बनाएंगे। बी नंबर आपका करेक्ट है, स्मृति की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र किसका है, श्री राम शर्मा का, महादेवी वर्मा का, जंगल के जीव, या फिर वे जीते कैसे हैं। चयन करिए, स्मृति की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र किसका है, 81 नंबर का क्वेश्चन है, 81 में आपको बताना है स्मृति की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र ये किसका है, और 81 का आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर महादेवी वर्मा लगा दो, बी नंबर आपका सही नंबर लगा दो, बी नंबर राइट आंसर है। विभावरी शब्द किस प्रकार का है, 82 नंबर में विभावरी बताइए जल्दी से, स्मृति की रेखाएं हो गई, विभावरी शब्द किस प्रकार का है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, या फिर विदेशज है। 82 नंबर का क्वेश्चन, विभावरी शब्द बताना है, सभी लोग बताएंगे, मनप्रीत जी राइट आंसर चयन करना है। 1500 फीस है, 1500 में 12 महीने दोस्तों आप हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं। तो जिनको भी करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विभावरी शब्द किस प्रकार का है, 82 नंबर का क्वेश्चन, तत्सम यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। जिसका त्याग नहीं किया जाए के लिए एक शब्द क्या है, आत्याग, बीतरागी, अपरिहार, या फिर अनिर्वचनीय, बताओ। जिसका त्याग नहीं किया जाए, 83 नंबर का क्वेश्चन है, उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में बताना है, बताइए। आरुषि मीना जी, रंजीता पटेल जी, 83 नंबर का क्वेश्चन, जितने भी हमारे साथी हैं, टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं, एलटी ग्रेड वाले साथी हैं, मास्टर कैडर वाले जितने भी हमारे साथी हैं, जिनको भी एडमिशन लेना बिल्कुल भी ना चूकें, जिसका त्याग नहीं किया जाए उसके लिए एक शब्द है क्या, अपरिहार, सी नंबर आपका सही है। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, 84 नंबर का क्वेश्चन है, नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया अंकिता वर्मा जी, अनुज ठाकुर जी, बताइए प्रीति जी। ये जो क्लास हो रही है 9 बजे रात में होती है दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस में रोज, आज लेट है, ठीक है। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जल्दी से बताइए, 84 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर है कि सर नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अज्ञेय जी ने किया था। डी नंबर आपका राइट है, जो कि बहुत सारे लोगों ने बताया है, अनूप जी, विजय जी, पलविंदर जी, आराधना जी, बहुत बढ़िया। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोगता कौन है, बताओ, संवेदन सूत्र का प्रयोगता कौन है, 85 नंबर क्वेश्चन है। विजय देव नारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, या फिर रमेश कुंतल मेघ। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोगता कौन है, शोभा पांडे जी बताइए, सीमा जी बताए, रानी दीक्षित जी, अमिता जी, क्या हो जाएगा, और प्रयोगवाद प्लस नई कविता नहीं, नीतू जी, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था किसने, नंदलारी वाजपेयी ने, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं, नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञेय ने किया था, लेकिन नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बताइए। संवेदनात्मक ज्ञान, तो यहां पर 85 नंबर का क्वेश्चन है, 85 में आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो रहा है 85 का, कि सर ये संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के जो प्रयोक्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन, प्रयोक्ता पूछा गया तो गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, यानी बी नंबर आपने जिन्होंने लगाया है उनका आंसर सही हो जाता है। व्योमकेश दरवेश के रचनाकार कौन है, जगदीश गुप्त, बहुत बढ़िया, व्योमकेश दरवेश बताना है, 86 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए ज्योत्सना जी, राखी जी, सभी लोग बताएं, आंसर चयन करना है और लाइक कर देना है जल्दी से, 86 नंबर का क्वेश्चन है, 86, व्योमकेश दरवेश बता दिया आपने कि सर विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है, व्योम मतलब होता आकाश, और आकाश तो विश्व में फैला है, विश्व में, तो विश्वनाथ त्रिपाठी, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। बट वृक्ष की छाया में जीवनी के रचनाकार कौन है, बट वृक्ष की छाया में,
और एक बट पीपल निबंध है, किसका? दिनकर जी का। बट पीपल, बट पीपल निबंध किसका है? दिनकर का। लेकिन बट वृक्ष की छाया में जीवनी के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए रजनी जी, रमेश दीक्षित जी, अजय जी, वंदना जी, सोनी, लखविंदर जी, 87 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर ये जो बट वृक्ष की छाया में जीवनी के जो रचनाकार हैं वे हैं कुमुद नागर। कुमुद नागर हैं, डी नंबर सही है, डी नंबर। सदाचार का ताबीज इसके रचनाकार कौन है? अपन ने आज ही पढ़ा था सदाचार का ताबीज, ये निबंध है और निबंध किसका है? बताओ पलविंदर जी, अंकिता जी बताएं, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र कुमार जी, पूजा जी, सभी लोग बताएंगे सदाचार की ताबीज इसके रचनाकार कौन है? आंसर बताना है। 88 नंबर का क्वेश्चन है और आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर सदाचार का ताबीज यानी कि हरिशंकर परसाई, डी नंबर आपका बिल्कुल सही। हरिशंकर परसाई आपका राइट आंसर है, डी नंबर सही है। हिंदी का माउंटेन किसे कहा जाता है? हिंदी का माउंटेन 89 नंबर का क्वेश्चन है। भारतेंदु को, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, सदा सुखलाल। हिंदी का माउंटेन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। श्वेता जी बताइए, सभी लोग बताएंगे, राशिद जी, कुरैसी, रतिपाल जी, दिनेश जी, बताओ हिंदी का माउंटेन। पढ़ा था आपने 89 नंबर का क्वेश्चन और आपको पता है कि सर माउंटेन मेंटेन करना पड़ता है, काय का? बाल का, मेंटेन बाल का, तो बालकृष्ण भट्ट है। सी नंबर मेंटेन करना पड़ता है। राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर, गाजीपुर जिला के गंगोली गांव के सिया मुसलमानों, सिया मुसलमानों के जीवन की, जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है, यानी कि राही मासूम रजा का वो कौन सा उपन्यास है, ये बताना है। प्रीति जी बताइए, 90 नंबर का क्वेश्चन है। राज रानी जी, वंदना जी, रीता कांत जी, 90 नंबर के क्वेश्चन में, 90 नंबर का क्वेश्चन में है और आपका उत्तर हो रहा है कि सर वो राही मासूम रजा का उपन्यास है आधा गांव। आधा गांव यानी कि डी नंबर आपका, आधा गांव बिल्कुल सही है, आधा गांव आपका राइट आंसर है। भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास में 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे, भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है। 91 नंबर का क्वेश्चन है। तमस में झरोके कड़िया मैया दास की माड़ी, 91 नंबर के क्वेश्चन में बताना है, सभी लोग बताएंगे। भीष्म साहनी का वो उपन्यास कौन सा है जो भारत विभाजन पर आधारित है, सीधा क्वेश्चन ये है दीपिका जी। और 91 नंबर का क्वेश्चन में उत्तर चला जाता कि सर तमस, ये भारत विभाजन पर आधारित है। कलापी के रचनाकार कौन है? कलापी। 92 नंबर का क्वेश्चन है। रविंद्र भ्रमर जी, कैलाश वाजपेयी जी हैं, नरेश जी हैं, आरसी प्रसाद से हैं कलापी के रचनाकार। ये कलापी कई बार पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे कलापी के रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर कलापी के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं आरसी प्रसाद। कौन है? आरसी प्रसाद से हैं। डी नंबर आपका आरसी प्रसाद से बिल्कुल सही है, कलापी के रचनाकार आरसी प्रसाद, ठीक है, डी नंबर। 92 नंबर के क्वेश्चन में डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 93 नंबर का क्वेश्चन है। आ कविता के, आ कविता पूछा है आपसे, बताओ आ कविता के प्रवर्तक कौन है? आ कविता के प्रवर्तक कौन है? सतीश कुमार जी, अर्पणा जी बताएं। और आ कविता आपसे पूछा गया, 93 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आ कविता के प्रवर्तक कौन है? आ कविता के प्रवर्तक आपसे पूछा गया है और आपका उत्तर जा रहा कि सर आ कविता पूछा है तो आ से हो जाएगा क्या? रिंकी वर्मा जी बिल्कुल राइट आंसर, कमलाकांत जी डी नहीं, ए ए यानी कि जगदीश चतुर्वेदी। आ कविता के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी हैं, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। सुंदर विशेषण शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? उत्तमावस्था पूछी है, सुंदर विशेषण शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी बताइए? सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम या फिर कोई नहीं? सुंदर की बताना है, सुंदर विशेषण शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी, क्या होगी? 94 नंबर के क्वेश्चन में और सभी लोगों का आंसर आ रहा है सुंदरतम, बहुत बढ़िया।
सुंदर की होती है सुंदरतम, यानी कि सी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर। कौन सा कामदेव का पर्याय नहीं है? कामदेव का पर्याय नहीं है पूछा ओम प्रकाश जी, बताइए सतीश जी, रेखा जी, कामदेव का पर्याय कौन सा नहीं है? 95 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, शेयर भी कर दो अपने मित्रों को दोस्तों, कौन सा कामदेव का पर्याय नहीं है? रजनी जी बताइए, निधि पाठक जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं, कामदेव का पर्याय नहीं है। ये 95 नंबर का क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर अरविंद नहीं है, डी नंबर आपका सही है, अरविंद नहीं है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, कामदेव का पर्याय अरविंद नहीं है। चर्यापद की रचनाकार कौन है? 96 नंबर का क्वेश्चन है, चर्यापद के रचनाकार कौन है? सबरपा है, पुष्पदंत है, रोड़ा है या फिर धनपाल है, बताओ 96 नंबर के क्वेश्चन में कौन आपका सही आंसर हो जाएगा? चर्यापद के रचनाकार कौन है 96 नंबर के क्वेश्चन में? और आपका उत्तर जा रहा है चर्यापद के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं कौन है? चर्यापद, चर्यापद 96 नंबर। लाइक करिए सभी साथी, और आपका आंसर चला गया एक ही तरफ, सबरपा आपका सही हो जाएगा, चर्यापद के रचनाकार सबरपा माने जाते हैं दोस्तों, ये नंबर आपका सही है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति बताएंगे सभी लोग, और एक बार जल्दी से लाइक करते हुए शेयर करें सभी साथी, शेयर करें जल्दी से। अपभ्रंश का भवभूति पूछा गया है, सरबजोत जी, अर्पणा जी, रमा जी, अजय जी, सुमन जी बताएं, रतिपाल जी, और अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? 97 नंबर के क्वेश्चन में, 97 में पूछा है कि सर पुष्पदंत लगा दो, यानी कि बी नंबर लगा दो, बी नंबर सही है, अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है, माना जाता है, बी नंबर राइट है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रसायन से किसने मानी? गाड़सदा तासी, रोड़ा कवि, रामचंद्र शुक्ल या पंडित हर प्रसाद शास्त्री? 98 नंबर के क्वेश्चन में बताना है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है? वो विद्वान का नाम आपको बताना है रसायन से। चयन करिए सभी साथी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लिए, जिन भी साथियों को टिर्की नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के वो नोट्स मंगवा सकते हैं। 98 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है सी, यानी रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर, रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है दोस्तों, सी नंबर करेक्ट है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? 99 नंबर, लखविंदर जी बताइए, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? पतंजलि हैं, पिंगल हैं, पाणिनि हैं या फिर मनु हैं? छंद शास्त्र के प्रणेता आचार बताना है, और उत्तर जा रहा है 99 नंबर में कि सर पिंगल लगा दो, पिंगल लगा दो, बी नंबर लगा दो, पिंगल आपका सही है, पिंगल आचार, पिंगल। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत, विपरीत पड़ता है, कौन सा पड़ता है? ठीक विपरीत वाला कौन सा है? मात्रा क्रम की दृष्टि से पूछा गया, 100 नंबर का क्वेश्चन है, दोहा के ठीक विपरीत कौन सा है? रेखा जी बताइए, अर्चना जी, रमा जी, विभूति जी, जिनको भी बताना है सभी लोग बताएंगे। सोनू के एम जी, लाइक कर दीजिए सभी साथी, शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक, ठीक है। 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जिनको भी एडमिशन लेना है वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राजकुमारी जी, 100 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर क्या हो जाएगा? बोले सर सोरठा लगा दो, यानी सी नंबर लगा दो, ठीक।